हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल फिल्मी हॉरर। आज हम देखेंगे दहशत फिल्म का शॉर्ट वर्जन। ये फिल्म 1981 में आई थी। बाबूजी कहाँ जाना है? बस्ती। बस्ती मंदिर सवारी। बस्ती नहीं, कोई बस्ती चलने के लिए तैयार ही नहीं। एक सवारी विजय मंदिर। बस्ती चलोगे? बस्ती बस्ती हम नहीं जाएंगे साहब, हरगिज नहीं जाएंगे। क्यों? अरे 20 मील दूर है साहब। आइए कोशिश करता हूँ, शायद हम लोग सूरज डूबने से पहले बस्ती पहुँच जाए। हर शख्स के चेहरे पर डर, चारों तरफ उदासी छाई हुई है। यहाँ जैसे जैसे शाम करीब आती जाती है, रात का अंधेरा मौत की तरफ फैलता जाता है। 5 कब्रें खुदी हुई पाई गई हैं, जिनमें से लाशें गायब हैं। कोई कब्रें नहीं खोदेगा? कब्रें कोई नहीं खोदता राहुल साहब, लाशें खुद ब खुद बाहर आ जाती हैं। इन लाशों को चलते हुए देखा गया है। ये टांगा क्यों रोक गया भाई? रात आ रही है बाबूजी, अब इससे आगे हम नहीं जा सकते। मेरा घर पास ही है, आज रात आप मेरे ठहर जाइए, सुबह होते ही। रॉबर्ट साहब ठीक कहते हैं। तुम डॉक्टर बशीर को अपने साथ ले जाओ, मैं अकेला जाता हूँ। राम से ज्यादातर एक्टर्स को रिपीट करते थे, लेकिन कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने राम से की एक या दो फिल्मों में ही काम किया है। उन एक्टर्स में भारत भूषण भी हैं, उन्होंने राम से के साथ सिर्फ यही एक फिल्म की है। अरे आपका तो सारा दिन इंतजार किया साहब, हम अभी सबको उठाते हैं। अरे नहीं नहीं, रात बहुत होगी, सब नींद खराब होगी, मैं पीछे में से चला जाता। आइए साहब। तुम कौन हो? मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉन! क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? क्या हुआ? आहिस्ते। ओ चोर साहब, जरा इधर। अरे समीर, बेटे तुम। पापा। ये किरण है, किरण। ओ यस, इंस्पेक्टर मोला। व्हाट? एक लाश फिर गायब। इन फावड़ों के निशानों से तो साफ पता चलता है कि ये काम किसी आदमी का ही हो सकता है। आदमी नहीं इंस्पेक्टर साहब, शैतान है। आइए आइए डॉक्टर विशाल, इस लाश के गायब होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकता हूँ इंस्पेक्टर, ये काम जरूर किसी पागल आदमी का होगा। ये सेठ महिपत राय के बेटे डॉक्टर समीर, और ये है मशहूर डॉक्टर विशाल। हेलो डॉक्टर। हेलो। मैं आ रहा हूँ रीना। कहाँ जा रहे हो तुम? आज रात हो गई है, आबादी से इतनी दूर, इसलिए रान घर में लाकर मुझे पटक दिया। आज बहुत देर कर दी। आज घर में तूफान ज्यादा ही था। जब कोई अस्त्रा हो संग, फिर पियो ये भंग, तब जमता है रंग। प्यार का मीटर चल रहा। इस फिल्म का म्यूजिक पप्पी लहरी ने दिया था। फिल्म में 3 गाने हैं। ये गाना मेरे प्यार का मीटर चल रहा किशोर कुमार ने गाया है, मेरा यार गुस्से वाला है आशा भोसले ने गाया है, और मेरी जान गाना बप्पी लहरी और सुलक्षणा पंडित ने गाया है। चलिए खाना खाने। जॉर्जी को जाने दो, जैसे जैसे रात आ रही है बेटी, मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। जॉर्जी की लाश कल रात कब्रिस्तान में मिली। जॉर्जी ने कब्र खोदने वाले को देखा होगा और उसका पीछा करते यहाँ तक आया होगा। जिस दिन लाश दफनाई जाती है उसी रात को वो गायब हो जाती है। आज रात को मैं उसका इंतजार यही करूँगा। अब और कितनी देर इंतजार करोगे? अब वो नहीं आएगा। लगता है गुंगा है, वो इस हवेली में जाने की कोशिश कर रहा था। नवीन निश्चल ने रामसे के साथ 3 फिल्में की थी और तीनों फिल्में एक के बाद एक साथ आई हैं। पहली फिल्म 1980 में सबूत थी,
दूसरी 1981 में यही फिल्म दहशत थी, तीसरी 1981 में ही होटल थी। इससे ऐसा लगता है जैसे रामसेन ने नवीन निश्चल के साथ एक साथ तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया हो। डॉक्टर विशाल, समीर ये तो इंसानी दिमाग है। डॉक्टर समीर, यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? पहले आप मुझे बताइए कि ये सब आप कहाँ से लेकर आए हैं, क्योंकि मुझे शक है कि इनका ताल्लुक उन लाशों के साथ है जो कब्र से गायब हो जाती है। ये सब मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मंगवाए हैं, अब जा सकते हैं आप यहां से। ये कनेक्शन गलत था। जो भी छोटे मोटे तजुर्बे में कर रहा हूं वो दिखाऊं। कल आपने वो मेरा फोटो कॉगलेस ऑपरेटर ठीक किया, हमारे तो कई दिनों की मेहनत बच गई। चलिए। लोग कहते हैं कि इंसान मुकम्मल है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, इंसान अधूरा है। इंसान में वो खूबियां नहीं जो जानवर में है। चील और बाज की तेज नजर, कुत्ते की सूंघने की शक्ति, चमगादड़ का राडार सिस्टम जिससे वो गहरे अंधेरे में भी देख सकता है, लेकिन इंसान के पास इन सबसे बड़ी शक्ति है दिमाग। बेजुबान जानवरों पे जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। नादिरा एक लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं। इस फिल्म में भी उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग है। उनकी पहली फिल्म दिलीप कुमार के साथ 1952 में आई थी आन। रामसे के साथ उनकी एक इकलौती फिल्म है। अरे ये घर है, ये चिड़ियाखाना है, यहाँ देखो जानवर फिरते रहते, यहाँ मेरा दम घुटता है। अभी इसी वक्त चली जाओ। इसलिए कि मेरे दुनिया में कोई नहीं है। ठीक समझा तुमने। क्या कहा? सही समझा है? निशान लगा लो। मैंने क्या कर दिया? घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा खून बह गया, दो शब्द में ठीक हो जाएंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी ऑपरेशन है। डॉक्टर, रिपोर्ट में क्या लिखूं? रिपोर्ट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसका ट्रीटमेंट मैं खुद करूंगा। इतनी बेरहमी से मारा है तुम्हें, बीवी है या चुड़ैल? इस फिल्म की स्टोरी चेहरे पे चेहरा फिल्म से एकदम मिलती है। दोनों फिल्में भी एक ही साल 1981 में आई थी। स्टोरी इतनी ज़्यादा मिलती है कि बहुत से लोग दोनों फिल्मों के नाम एक दूसरे से बदल देते हैं। मेरे एक व्यूअर ने भी फरमाइश की जिस फिल्म में रेखा है मतलब चेहरे पे चेहरा, लेकिन नाम लिखा दहशत का। इस फिल्म में एक्सपेरिमेंट का डोज बीवी देती है और चेहरे पे चेहरा फिल्म में संजीव कुमार खुद लेते हैं। कितनी बार तुम्हें कहा है तुम यहाँ मत आया करो। खाली हाथ नहीं जाते, आओ तुम्हें शराब जाम हम देंगे जाने मन। छोड़ दो उस लड़की को। आशिक के जनाजे धूम से निकले। अरे छोड़, क्या करता है? चल डॉक्टर विशाल। हाँ? इतनी रात गए आप यहाँ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नर्स, लाइट्स ऑफ, पट्टी खोलो। Roshni, Robert, Roshni, let's off.
नर्स, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रॉबर्ट का ऑपरेशन कब हुआ था? बस सर, उनका तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। क्या? बस उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया था। ओके, डॉक्टर विशाल रॉबर्ट का इलाज नहीं उस पर तजुर्बा कर रहे थे। बेचारा रॉबर्ट मर गया। तुम जानते हो कि रॉबर्ट मर गया है? तुम्हारा दिया हुआ जहर उसके जिस्म में फैल गया था। मुझे अफसोस है, मेरा तजुर्बा नाकाम रहा। जब कभी इंसान ने कुदरत या ईश्वर को जीतने की कोशिश की है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। मैं लाखों बेनूर इंसानों की आंखों में रोशनी भर दूंगा। तुम्हें रॉबर्ट के कत्ल की सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम पुलिस के पास नहीं जाओगे? कौन रोकेगा मुझे? रुक जाओ। जानवर हो जो इन लाशों को कब्रों से गायब कर देता था। मैं कोई गुनहगार या कातिल नहीं, एक साइंटिस्ट हूं। फिल्म की स्टोरी एक इंग्लिश नॉवल डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड से इंस्पायर है, जो 1886 में आया था। इसके राइटर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हैं। हॉलीवुड में भी इस पर एक से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं। कुमार रामसे ने नॉवल से इंस्पिरेशन लेके थोड़ी डिफरेंट हॉरर स्टोरी लिखी है, जो नॉवल की स्टोरी से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। लगता है तुमने अपनी सूरत आईने में बहुत गौर से नहीं देखी। वही जो तुमने उस बेजुबान जानवर के साथ किया है। डॉक्टर समीर घर में है? जी नहीं, वो तो घर पर नहीं है। उसे कहना वो फौरन यहाँ पहुँच जाए। मेरी बीबी ने खरीदी थी, मुझे चिंगाड़ का जहर दे दिया है। अब तो मेरी जान, तुम्हारी अपनी सूरत इतनी भयानक हो जाएगी कि उल्लू भी तुम्हारी सूरत से डरेंगे। विशाल, भागने की कोशिश मत करो। हेलो सीबीआई, मैं डॉक्टर विशाल बोल रहा हूँ। मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कपूर बोल रहा हूँ। आप डॉक्टर समीर को अपने पास बुला कर रखिए, मैं फिर फोन करूंगा। समीर, कुछ पता चला? नो सर। सर, आपका मैसेज। इंस्पेक्टर वर्मा हियर, डॉक्टर समीर आपके साथ हैं? वो मेरे साथ हैं। डॉक्टर समीर को फौरन बंबई के मेन पुलिस स्टेशन भेज दीजिए। डॉक्टर विशाल का फोन आया था, उनके लिए मैसेज है। नरेंद्रनाथ रामसे के रेगुलर एक्टर थे। वो गेस्ट हाउस फिल्म में पहली बार लिए गए थे, उसके बाद वो रामसे की ज्यादातर फिल्मों में होते थे। डॉक्टर विशाल तो बॉम्बे पहुंच चुका। बॉम्बे? जी हाँ, और आपको बॉम्बे एसपी से फौरन मिलना है। चलिए मेरे साथ। Hi, darling. Sunita here. मम्मी डैडी अलाउ नहीं करते। अरे यार कमाल है, इतने लंबे चौड़े हो गए हो और अभी भी मम्मी डैडी करते रहते हो। काजल किरण की रामसे के साथ पहली फिल्म सबूत थी, जो 1980 में आई थी। 1985 में आई रामसे की फिल्म हवेली में भी उनका छोटा सा रोल था, लेकिन क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं आया था, जबकि उनका नाम स्पेशल अपेयरेंस में आना चाहिए था। उन्होंने रामसे के साथ सिर्फ यही 3 फिल्में की हैं। ओहो, तुम्हें कह नहीं सकते, बेवकूफ कहीं के। गोपी कृष्ण से अच्छा कथक डांसर आज तक नहीं हुआ। वो कथक डांसर फैमिली में पैदा हुए थे। जब वो 11 साल के थे, तब से उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की। 17 साल की उम्र में वो सबसे छोटी उम्र के कोरियोग्राफर बने साकी फिल्म के लिए, जो 1952 में आई थी। उन्होंने 9 घंटे 20 मिनट कथक डांस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जबकि उन्हें अस्थमा था। हेलो किरण का, जब तक तुम मुझे जहर उतारने की दवा नहीं दोगे, तुम्हें किरण हासिल नहीं होगी। मैं तुम्हारा इंसान कहूंगा। हाईवे पूना, माइलस्टोन 73। लेट अगेन।
मेरी बीवी के मौत का इल्जाम मेरे सर पर है। ये म्यूजिक की आवाज कैसी है सर? कहीं ये होटल मेफेयर तो नहीं? विशाल कहाँ थे इतने दिन? समीर पूना 73। लेट्स गो इंस्पेक्टर, मैं अकेला जाऊंगा। सुजीत कुमार ने रामसे के साथ पहली फिल्म 1980 में गेस्ट हाउस की थी। उसके बाद वो रामसे की कई फिल्मों में आए। 1985 में हवेली, 1987 में डाक बंगला, 1989 में महल। उनकी रामसे के साथ आखिरी फिल्म 1991 में आखिरी चीख थी। किथे जा रहे हो बादशाह? गड्डी में क्या सामान है? कुछ नहीं। बड़ी डोरी पा रखी है? ओए कड़े नु अंग्रेज दा पत्थर है कड़े। तू कौन है? विशाल आपका चेहरा एंटीड्रग्स लाया। मेरे पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है। मुझे में भरोसा रखे डॉक्टर विशाल, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक एंटीड्रग तैयार करने के लिए। फिल्म उस वक्त ठीक ठाक चली थी। इस फिल्म का बजट 35 लाख था और कमाई 45 लाख हुई थी। डॉक्टर विशाल पकड़ा गया है। कहाँ है वो? इसी अस्पताल में। क्या तुम मुझे पहचानते हो? बोलने की कोशिश करो। क्या आप समझते हो ये ठीक हो जाएंगे? नो चांस। गॉड ये ओमशिवपुरी की सबसे असरदार फिल्म है। फिल्म का सेंटर पॉइंट ओमशिवपुरी ही है। फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। एक अच्छे एक्टर होने के बावजूद वो ज़्यादातर फिल्मों में ऑलमोस्ट इनविजिबल ही होते थे। रामसे के साथ और कौन इनकी पहली फिल्म थी जो 1979 में आई थी। उसके बाद ओमशिवपुरी रामसे की बहुत सी फिल्मों में आए। ये तो पूरा जानवर बन चुका है। कहते हैं कि इंसान मुकम्मल है, मैं कहता हूं कि नहीं, इंसान अधूरा है। दोस्तों आप लोग कमेंट और लाइक तो करते ही हैं, लेकिन वीडियो शेयर भी जरूर करें और ये चैनल सब्सक्राइब करें।
आगे मैं और एक्साइटिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर। हमारा चैनल फिल्मी हॉरर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें।